तो और गेमर भाई लोग क्या हालचाल, ये है OnePlus Nord CE 4 नया लॉन्च हुआ है Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर के साथ में और प्राइसिंग भी बहुत अच्छी रखी है OnePlus ने 25,000 के अंदर। तो 25,000 के अंदर क्या एक अच्छा गेमिंग ऑप्शन है, क्या मैं इसमें अच्छी गेमिंग कर पाऊंगा, वो आपको मैं पूरा है ना FPS मीटर के साथ में दिखाऊंगा और ओवरऑल गेमिंग में फोन कितना ज्यादा बेटर है, कितना ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है वो हम लोग सब जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बैटरी देखोगे ना यहाँ पर इस फोन पे 64% की है और मैं 1 घंटे की गेमिंग करूंगा जिसमें देखते हैं कि कितना बैटरी ये ड्रॉप करता है। जो ग्राफिक सेटिंग से बेसिकली अनलॉक करता है स्मूथ पर 60 है, मोस्ट ऑफ हम लोग स्मूथ पर 60 वाली गेमिंग यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आपको नॉर्ड सी 4 का एक डिटेल रिव्यू देखना होगा ना तो उसका वीडियो का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा टेकी पार्ट लगा, तो वहां पे जाके आप डिटेल में सारी चीजें देख सकते हो। तो देखो सबसे पहले टीडीएम खेलना हम लोग चालू करते हैं। और तो रही बात इस फोन के जायरोस्कोप को लेकर, अच्छा है आप प्रॉपर जायरो मिलता है उसमें प्रॉपर अच्छी खासी तरीके से स्प्रे वगैरह कर सकते हो। अगर इस फोन में मैं टीडीएम सबसे पहले खेलूंगा उसके बाद में एरेंगल खेलूंगा और अगर आप लोगों ने पूरा गेम देखते रहना पूरी वीडियो देखते रहना ताकि ना आपको फ्लक्चुएशन का आपको आइडिया आ जाए, मोबाइल के ऊपर ही आपको FPS मीटर भी देखने मिल जाएगा। अभी यहाँ पर जितना मैंने नोटिस किया है ना ये टीडीएम के अंदर 1 से 2 बार है ना 55 तक का ड्रॉप किया था इसने, उसके बाद में लाइक नॉर्मली 60-57 ऐसे चल रहा था। तो मैं टीडीएम में कहूंगा एक कैजुअल से अच्छी गेमिंग करनी है तो आप इस OnePlus Nord CE 4 के अंदर आप कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, मतलब 60 के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ। और वैसे आपको मैं एरेंगल का भी गेम प्ले देखो आपको पूरा FPS मीटर साथ में देखने मिलेगा, पूरा वर्डिक्ट आपको एंड में समझा दूंगा, कंक्लूजन दे दूंगा। बट एक चीज है, हम लोग है ना नेक्स्ट एक और प्रोजेक्ट शूट कर रहे हैं, वैसे ये फोन इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, वो है OnePlus Nord 4 इसका बड़ा भाई। तो ये फोन अभी तक इंडिया में आया नहीं है बट आपके लिए मैं जल्दी से इसका गेमिंग रिव्यू लेकर आ जाऊंगा, तो उसके लिए ना आपको इस वीडियो पे एटलीस्ट 4,000 के ऊपर का लाइक टारगेट कंप्लीट करना है ताकि वो वीडियो आपको बहुत जल्दी देखने मिल जाए, तो फटाफट लाइक जरूर कर देना। बाकी अभी एरेंगल का गेम प्ले देखो, FPS कितने ज्यादा फ्लक्चुएशन या कुछ भी एरर हुआ वो सब आप वहां पर देख पाओगे। और हो सके तो भाई सपोर्ट दिखाना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना ताकि आपको नेक्स्ट कौन सा कंटेंट चाहिए जैसे कि वो कमेंट करके बता देना। अगर यहाँ पर एरेंगल की अभी आप लोग गेम प्ले देख रहे हो तो इतना मैंने इसमें देखा कि इसमें ना बीच में 45 के अराउंड एक FPS का ड्रॉप दिखने मिलता है, बीच में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था एनिमीज अगर आसपास में आते हैं तो, उसके बाद में कभी कभी 55 के अराउंड भी 56 के अराउंड भी चल रहा था। तो वहां पर जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना तो वहां पर फिर मुझे बाद में 58 के अराउंड भी एक कॉन्स्टेंट गेमिंग करवा दे रहा था, 60 से कभी कभार थोड़ा सा नीचे आ जाता है।
बाकी इसमें यहाँ पर एक चीज है कि एक घंटे की गेमिंग के अंदर जो स्टार्ट में 64% की बैटरी थी, अब वो बैटरी आ गई 43% पर, 21% का यहाँ पर एक घंटे की गेमिंग के अंदर ये ड्रॉप करके दिया इसने। तो अभी अगर फाइनल कंक्लूजन जानना है तो ओवरऑल 60 FPS की एक कैजुअल गेमिंग आप अच्छे से कर सकते हो। प्रॉपर कोर गेमिंग नहीं कहूंगा क्योंकि वहां पर हल्के फुल्के ड्रॉप फिर भी आ जाते हैं, जो कि मैं कहूंगा उतने मेजर नहीं है, बट 25,000 के अंदर एक अच्छा गेमिंग ऑप्शन OnePlus की तरफ से देखने मिल जाता है, क्योंकि OnePlus में ना 25,000 के अंदर एक बेस्ट ऑप्शन अभी तक था नहीं। तो ये मैं कह सकता हूं ये एक अच्छा ऑप्शन है 25,000 के अंदर। अगर आपको OnePlus का फोन चाहिए गेमिंग करने के लिए तो आपके लिए रेकमेंडेड है, आराम से आप इसके अंदर वो कैजुअल से अच्छी वाली थोड़ी सी गेमिंग कर सकते हो। होप से वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और Nord 4 के लिए कमेंट जरूर कर देना ताकि वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।